तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस। नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। सितंबर महीने में पहली बार मानसूनी मेघों ने उग्र रूप धारण कर लिया था। पिछले डेढ़ दिनों में शहर में 150.1 मिमी बारिश दर्ज की गई। सोमवार की तड़के जो बारिश शुरू हुई शाम तक जारी रही, वैसे देर रात तक रुक रुक कर हल्की बारिश का दौर जारी रहा। परिणाम स्वरूप अधिकतम तापमान 6.7 डिग्री का गिरावट के साथ 26.1 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा। सुबह और शाम को आर्द्रता 100% दर्ज की गई। सोमवार को दिन भर मौसम विभाग ने शहर को ऑरेंज अलर्ट पर रखा, वही मंगलवार को येलो अलर्ट पर रखा। बारिश में सर्वाधिक वर्धा रोड का हिस्सा प्रभावित हुआ है। नागपुर विमानतल परिसर मूसलाधार बारिश का वजह से तालाब में बदल गया, वही सोनेगांव पुलिस थाने के अंदर तक पानी चला गया। मनीष नगर अंडर ब्रिज पूरी तरह जलमग्न हो गया था। विमानतल से लेकर झांसी रानी चौक तक वर्धा रोड पर जगह जगह जल जमाव की स्थिति बन गई थी। मूसलाधार बारिश की वजह से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। प्रमुख चौराहे मार्ग पर 2 से 3 फुट तक पानी जमा हो गया था। रहाटे कॉलोनी चौक स्थित फॉरेंसिक लैब यातायात शाखा के कार्यालय सीताबर्डी स्थित मोदी नंबर 3 की दुकानों में भी पानी भरने की खबर है। हालांकि शहर पानी पानी हो गया था, फिर भी दमकल विभाग को पेड़ गिरने का एक और जल भराव के 6 कॉल भी आए। अधिकारी का मानना है कि जोन स्तर पर पानी निकालने की व्यवस्था किए जाने की वजह से कॉल कम हुए हैं।